नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के बारे में। जी हाँ साथियों, दुबई में हालांकि देखिए धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे या फिर अक्स में कोई भी ऐसा कोई मेट्रो होता है जो यूएई सरकार की तरफ से या यूएई लोग की तरफ से बिल्कुल गलत है, उसपे गवर्नमेंट बार बार अपडेट देती रहती है। पहले भी मैंने भी 3-4 वीडियो बना चुका हूँ, अभी फिर एक अपडेट दुबई पुलिस ने अपडेट किया। जी हाँ, आपको साथ में स्क्रीनशॉट भी मैं डालूंगा, आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से यूएई पुलिस ने आप लोगों से रिक्वेस्ट की है जो लोग यूएई में रहते हैं। जी हाँ, और खास तौर से बता दूं, यूएई में ये रिक्वेस्ट करने का पुलिस का क्या मतलब है, धर्म के नाम पे धार्मिक भावनाएं आहत करना, इस तरह को अगर इस टॉपिक पे बात करें हम, तो यूएई पुलिस को वैसे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां के जो अरबी लोग हैं, जो अमीराती है, उनको तो इन चीजों से मतलब नहीं है, वो तो अपनी मौज मस्ती में रहते हैं। लेकिन 90% 80% लोग जो लोग विदेशी हैं, उनकी वजह से ये पुलिस को बार बार ऐसे मैसेज वगैरह लोगों के साथ पहुंचानी जरूरी है और इन पे लॉ भी बनाना पड़ता है वहां की गवर्नमेंट को, पुलिस को। जी हाँ, इस रिलेटेड वही पुलिस ने कुछ से घोषणा की है अपनी तरफ से, वो आपको जान लेना बहुत जरूरी है, वरना क्या पता भाई ऊंट कौन से करवट बैठ जाए, उसके नीचे आप दब जाए। तो वीडियो पूरा देख लीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज यूएई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। दुबई पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है कि भाई धार्मिक भावनाएं भड़काना, जैसे धर्म के नाम पे अफवाहें फैलाना या फिर एक्स वाई जेड अफवाहें कोई भी हो जो गलत है, वो अफवाहें होती है। ठीक, धार्मिक भावनाएं धार्मिक प्रतीक चिन्ह होते हैं, जैसे अलग अलग धर्म के प्रतीक चिन्ह होते हैं ना, वैसे उनके खिलाफ कुछ गलत बयानबाजी सोशल मीडिया पे करना या फिर धर्म के बारे में करना, जाति के बारे में करना, किसी को छोटा बड़ा बोलना या गाली गलौज करना, ये सब चीजें साइबर क्राइम में आती हैं। जी हाँ, साइबर अपराध कानून 35 के अनुसार इसमें आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। बता दूं, 1 मिलियन तक जुर्माना, 1 साल तक की सजा हो सकती है इसमें, छोटी सी गलती। एक्चुअल में देखते हैं अभी इंडिया में माहौल, कई बार लोग भावनाओं में बह जाते हैं, बस फटफट पर मैसेज कर देते हैं, बाद में रोते हैं माथा पकड़ के, लेकिन उनको कोई पुचकारने वाला कोई नहीं मिलता, फिर पुलिस का डंडा चलता है, कानूनी कार्रवाई सामने सामने होती है बस। और वहां अगर हो गई तो फिर आपके लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वहां के जो जुर्माने हैं ना, बड़े महंगे है भाई। जी आप सऊदी देख लो, कोई मिलियंस में जाते हैं जुर्माने, और वहां का मिलियंस इंडिया का कितना बनता है मेरे भाई, वो सोच के देखिए आप, वहां का मिलियंस इंडिया में करोड़ का कलर चला जाता है, तो आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बता दूं, यही सरकार ने बोला है कि साइबर अपराध कानून 35 के अनुसार आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, जिसके तहत 1 साल की सजा से लेकर 7 साल तक की सजा जेल हो सकती है, प्लस आपके ऊपर 2.5 लाख दुबई दिरहम से लेके 1 मिलियन दुबई दिरहम तक आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। बता दूं, 2012 के संघीय कानून नंबर 5 के अनुच्छेद 20 के अनुसार बता दूं, 5 लाख जुर्माना कम से कम 1 साल तक का सजा का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है। ये कानून है, अब आप बोलोगे 2-3 कानून अलग अलग कैसे हैं, तो अलग अलग इसलिए हैं कि वो 2012 में उसमें 5 लाख का जुर्माना, 1 साल तक की उसमें सजा थी, लेकिन अभी यूएई सरकार ने भाई बढ़ा दिया, तो इन चीजों का ध्यान रखें। साथ में यूएई पुलिस ने ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की है, कोई भी सरकारी अधिकारी या नौकर का अपमान अगर कोई करेगा तो ये गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, जुर्माने के साथ सजा भी हो सकती है। अब इसको अगर विस्तार से समझें तो आप देखते होंगे गवर्नमेंट कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े पद पे बैठ के अपने आप को तुरंत का समझते हैं और छोटे वाले की वैल्यू नहीं करते, इज्जत नहीं देते उनको, वो छोटे शब्दों से बोलना, मतलब हेय दृष्टि से देखना, गाली गलौज कर देना, उसकी उसकी मतलब एक तरह से नेगेटिविटी बातें करना, ये उनके गंभीर अपराध का ये मुकदमा बन सकता है, और ये आपके ऊपर भी लागू होता है, ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आप सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, गवर्नमेंट अधिकारी के साथ उलझ पड़ते हैं, छोटे कर्मचारियों के साथ गलत वगैरह बोलना, तो ये हर उस इंसान पे लागू होता है जो इस सिस्टम में एक्टिव पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो इन चीजों को से आपको बचना जरूरी है, क्योंकि वहां के 80% लोग जो बैठे हैं ना, वो मौज मस्ती के लिए नहीं बैठे हैं, अपने परिवार को पालने के लिए वहां बैठे हैं, तो इन चीज का हमेशा ध्यान रखें, गलती करोगे तो सजा तय है मिलनी भाई। तो बस जानकारी मिल अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।